नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में ये पेन ड्राइव है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेन ड्राइव का डेटा का मतलब ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या इमेज फाइल हो सकती है, तो किस तरह से पेन ड्राइव के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं और कंप्यूटर के डेटा को ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल या इमेज फाइल को आप किस तरह पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने पे बिल्कुल आप सीख जाएंगे कि इस काम को कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा पेन ड्राइव है और सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से पेन ड्राइव के अंदर कोई फ़ोटो, ऑडियो या वीडियो फाइल है तो आप इस फाइल को आप किस तरह से जो है कंप्यूटर में कॉपी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देख पा रहे हैं हमारा ये सीपीयू है और सीपीयू में जो है यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अपने पेन ड्राइव को यहाँ पे लगा देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आवाज़ आ रहा है और हमारा पेन ड्राइव जो है इस कंप्यूटर में लग चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस पीसी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस विंडो को मैं बड़ा कर लेता हूँ। देख पा रहे हैं जो सबसे लास्ट का जो ड्राइव होता है वही जो है पेन ड्राइव होता है। तो मैं सबसे पहले इस पेन ड्राइव पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद दो बार इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारे पेन ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स फोल्डर हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल पा रही है। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक फोल्डर जो कॉपी है इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे MP4, एक जो है हमारा वीडियो फाइल है और एक जो है हमारा इमेज फाइल है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इस पेन ड्राइव में जो इमेज फाइल है उसको यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइल को ओपन करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं हमारा ये फ़ोटो जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब का थंबनेल बना रखा है, उसी का ये फ़ोटो है। तो दोस्तों, मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। आप देख पा रहे हैं पहले से सेलेक्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कॉपी आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं जैसे इस पर कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये जो है इमेज कॉपी हो चुका है। इसके बाद ये जो विंडो है इसको हम मिनिमाइज़ कर लेंगे और इसके बाद हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमने फ़ोटो कॉपी किया उसको हमको रखना कहाँ है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट आप देख पा रहे हैं। जैसे इस पर हम प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं ये जो है हमारा फ़ोटो यहाँ पे जो हमारा पेन ड्राइव में था इस समय कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कॉपी हो चुका है। अगर मैं इस फ़ोटो को ओपन करूँगा तो बिल्कुल वही फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था। तो दोस्तों, यहाँ मैं फ़ोटो को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल वही फ़ोटो जो हमारे पेन ड्राइव में था वो जो है फ़ोटो हमारे इस कंप्यूटर के अंदर कॉपी हो चुका है। बात करते हैं कि अगर हमारा कोई फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो फाइल अगर हमारे कंप्यूटर में तो उसको पेन ड्राइव में कैसे कॉपी करेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फ़ोटो है। सबसे पहले मैं इस फ़ोटो को यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाऊँगा। तो आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो है और ये फ़ोटो इस समय हमारे कंप्यूटर के अंदर है और इस फ़ोटो को मैं जो है पेन ड्राइव में कैसे कॉपी करना, कैसे भेजना, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे इस फ़ोटो को पेन ड्राइव में भेजने के लिए दो आसान तरीके हैं। पहला जो तरीका है कि हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड पे जाएंगे और सेंड के बाद जैसे यहाँ पे ये जो हमारा पेन ड्राइव है जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो सीधे हमारा ये फ़ोटो जो है हमारे पेन ड्राइव में कॉपी हो चुका है। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी किया तो इसकी कॉपी हो चुकी है और इसके बाद जो दिस पीसी है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो हमारा पेन ड्राइव है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो पहले से यहाँ पर आ चुका है और जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर पूछेगा कि आप इसको जो है ओवरराइट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे दो तरीकों में से किसी एक तरीके का यूज़ करके आप जो है सीधे आप फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल को आप पेन ड्राइव में भेज सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो हमको यहाँ पे पूछा जाएगा रिप्लेस करना है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही फाइल जो है सेंड कर रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप इन दो तरीकों में से किसी न किसी एक तरीके का यूज़ करके आप जो है फ़ोटो को जो है पेन ड्राइव में भेज सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं पेन ड्राइव में आ चुका हूं और यहां पे जैसे ही हम इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो फ़ोटो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर था वो फ़ोटो हमारे पेन ड्राइव के अंदर आ चुका है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।